दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। आज एक बार फिर से हम ONGC भर्ती की बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इसमें बड़ी भर्ती निकली है, 27,000 तक वेतन दिया जाएगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो 28 दिसंबर 2018 तक आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सिंपली स्टेप वाइज इस भर्ती पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। ONGC रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इसमें अलग अलग पोस्ट निकली है। सबसे पहले हम आपको ONGC देहरादून वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन की जानकारी देंगे। A2 लेवल की बात करें तो असिस्टेंट टेक्नीशियन सिविल के लिए इसमें 3 वैकेंसीज निकली है। 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना अनिवार्य है सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ जो A2 लेवल की असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट है उसके लिए 2 वैकेंसीज निकली है। 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में, ENT इंजीनियरिंग और MSc होनी चाहिए फिजिक्स साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये पोस्ट नेम और लेवल, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिनिकल असिस्टेंट Grade 3 ऑप्टोमेट्री के लिए देख सकते हो 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट Grade 3 पैथोलॉजी के लिए देख सकते हो 1 वैकेंसी निकली है, बैचलर डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट Grade 4 एलोपैथी के लिए देख सकते हो 2 वैकेंसीज निकली है, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 2 ईयर्स का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिनिकल असिस्टेंट Grade 4 फिजियोथेरेपी के लिए देख सकते हो 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में मिनिमम 2 वर्ष का। उसके बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए देख सकते हो 6 वैकेंसीज है, BCom साथ में इसमें टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट और सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए देख सकते हो 7 वैकेंसीज निकली है, BSc साथ में फिजिक्स होना चाहिए और मैथ्स, और यहाँ पर और भी देख सकते हो आप 30 वर्ड प्रति मिनट इसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए सर्टिफिकेट के साथ में, डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का कम से कम कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए देख सकते हो 1 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट हिंदी में होना अनिवार्य है साथ में इंग्लिश, और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए हिंदी में, साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है 6 महीने का। जूनियर असिस्टेंट पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देख सकते हो 23 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट होनी चाहिए साथ में 30 वर्ड प्रति मिनट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हो 1 वैकेंसी है, हाई स्कूल और क्लास 10th या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास होना अनिवार्य है, साइंस और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। यहाँ पर साथ ही साथ आप और भी कंडीशंस देख सकते हो, जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 14 वैकेंसीज है, इंटरमीडिएट साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सर्विस में और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग टेस्ट भी होना चाहिए, फायर टेंडर या हैवी व्हीकल जरूरी है इसके लिए देख सकते हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसीज है, BSc होनी चाहिए साथ में केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज है, BSc होनी चाहिए साथ में जियोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 इसके लिए देख सकते हो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 वर्ष का। यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 डेंटल हाइजीनिक के लिए देख सकते हो 4 वैकेंसीज है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का। इसमें यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, साथ ही साथ आप रीड कर सकते हो। मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 ECG के लिए 3 वैकेंसीज है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 वर्ष का। यहाँ पर इलेक्ट्रो के लिए और भी यहाँ पर दिया गया है 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 पैथोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है 1 वर्ष का। यहाँ पर और भी जानकारी आप रीड कर सकते हो। मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 रेडियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 वर्ष का। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 इसके लिए देख सकते हो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नर्स Grade 4 के लिए देख सकते हो 4 वैकेंसीज है, नर्स और मिडवाइफ का इसमें कोर्स होना अनिवार्य है। जूनियर फायरमैन के लिए देख सकते हो 5 वैकेंसीज है, हाई स्कूल क्लास या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास होना अनिवार्य है और साथ साथ इसमें 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी होना अनिवार्य है। जूनियर हेल्थ अटेंडेंट के लिए 6 वैकेंसीज है, हाई स्कूल या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास होना इसमें अनिवार्य है, साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ONGC देहरादून के लिए
101 वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ आप यहाँ से इनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूरा रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ONGC डेली वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन की जानकारी, इसकी भी देख सकते हो। असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, 3 वर्ष का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, ENT इंजीनियरिंग और MSc होनी चाहिए फिजिक्स साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए 3 वैकेंसीज है, BSc होनी चाहिए साथ में फिजिक्स और मैथ्स, और यहाँ पर 1 सब्जेक्ट में होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी, इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट, साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए देख सकते हो 4 वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन होना चाहिए साथ में 30 वर्ड प्रति मिनट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 4 वैकेंसीज है, इंटरमीडिएट साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस फायर सर्विस में, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इसमें। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए देख सकते हो 2 वैकेंसीज है, BCom साथ में 30 वर्ड प्रति मिनट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है टाइपिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। टोटल ONGC दिल्ली के लिए यहाँ पर देख सकते हो 14 वैकेंसीज इसमें निकली है। उसके बाद बात की जाती है सैलरी की बात की जाए तो A2 लेवल के पोस्ट के लिए 12,000 से 27,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, A1 लेवल पोस्ट के लिए 11,000 से 24,000 है और W1 लेवल पोस्ट के लिए 10,000 से 18,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद बात की जाती है एज लिमिट की, जनरल कैटेगरी के लिए 4 A2 और A1 लेवल पोस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर W1 लेवल पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 है A1 और A2 लेवल पोस्ट के लिए, 18 से 27 है W1 लेवल पोस्ट के लिए। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर 18 से 33 है A1 A2 के लिए और 18 से 30 है W1 के लिए। SC के लिए 18 से 35 A1 A2 के लिए और 18 से 32 W1 इसके लिए। PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 10 साल की छूट दी जाएगी, इसके अंतर्गत 15 साल की SC के लिए और 13 साल की OBC के लिए। सिलेक्शन की बात की जाए तो स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन के कुछ मेथड निर्धारित किए गए हैं, उनको हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फीस की बात की जाए तो जनरल या OBC के लिए 370 है, SC ST PWD एवरी सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी है। फीस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ONGC पावर ज्योति अकाउंट नंबर यहां पर दिया गया है 3082731840 SBI में इसमें जमा करा सकते हो। उसके बाद डेट की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 दिसंबर 2018 है। यहां पर आप एग्जाम डेट भी देख सकते हो, फरवरी 2019 में इसका एग्जाम होगा। उसके बाद यहां पर आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2018 है, नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर दिल्ली और देहरादून के लिए नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं योग्य कैंडिडेट्स के द्वारा ONGCIndia.com पोर्टल के माध्यम से। 7/12 से 27/12 तक आप इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो रेगुलर पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। A2 लेवल के लिए सैलरी मैं आपको बता ही चुका हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर A1 और W1 लेवल के लिए यहाँ पर दी गई है पोस्ट। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देहरादून के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो। SC ST OBC UR के लिए कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर दी गई है सभी के लिए। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जो PWD के लिए उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर SC ST OBC सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और कुल मिलाकर 101 वैकेंसीज इसमें देहरादून में निकली है। उसके बाद बात की जाए दिल्ली के लिए यहाँ पर वैकेंसीज SC ST OBC UR के लिए आप चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। जूनियर फायर सुपरवाइजर और जूनियर फायरमैन के लिए ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 168 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पर वेट नहीं दिया हुआ है। चेस्ट देख सकते हो 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का इसमें अंतर होना अनिवार्य है। 4 ट्राइब्स या पहाड़ी क्षेत्र के लिए 163 सेंटीमीटर है और चेस्ट इसमें सेम रहेगी। जूनियर फायरमैन के लिए यहाँ पर पर्सनल ऑफ जो स्टेट ऑफ असम के हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट है, और जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं और असम के हैं उनके लिए 160 है यहाँ पर दे गई है। 79 चेस्ट फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फीमेल्स और जूनियर फायर सर्विस और जूनियर फायरमैन के लिए यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए देख सकते हो ऑल कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दी गई है, और जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं उसके लिए
147 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, वेट दिया गया है 46 किलोग्राम, इसमें चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आप चेक कर सकते हो, 800 मीटर की आपको रनिंग करनी है 4 मिनट में। यहाँ पर जूनियर फायर सुपरवाइजर और जूनियर फायरमैन के लिए, मेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल के लिए 800 मीटर की आपको रेस करनी है 6 मिनट में। साथ ही साथ यहाँ पर आप और भी कंडीशन चेक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आयु सीमा दी गई है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आप एज में छूट भी देख सकते हो, साथ ही साथ डेट भी यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ONGC.India.com पर आपको विजिट करना है, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी है और साथ ही साथ 20 से 50 के बी तक JPG और JPG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर फीस जमा करनी है, फीस जमा करने के बाद एंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो ऐसे आप सिंपली इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप वाइज भी हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे कैसे आप इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डेट्स यहाँ पर दी गई है, 27/12/2018 से आयु की गणना की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, राइट साइड में आप देख सकते हो, फॉर्मेट देख सकते हो, CBT के लिए यहां पर फॉर्मेट भी दिया गया है और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर डिटेल्स में आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हो, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड भी आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप ये रीड कर सकते हो, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हुआ जाऊंगा आप यहाँ से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कंडीशंस दी गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। मेडिकल कंडीशन यहाँ से आप रीड कर सकते हो, राइट साइड में दी हुई है। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। इस पूरी PDF को पढ़ना आपको बहुत ही अनिवार्य है, इसको पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई ऑनलाइन टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन करने का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा ONGC के लिए। यहाँ पर डेट्स दी गई है सेंटर में, आप देख सकते हो। अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भरना है जो यहाँ पर दिया गया है और सबमिट कर देना है। ऐसे आप इस पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले बेसिक इन्फो, फोटो और सिग्नेचर उसके बाद अपलोड करना है, फिर डिटेल्स डालनी है, उसके बाद प्रीव्यू चेक करना है और बाद में आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर नाम डलेगा, कंफर्म नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर डलेगा, ईमेल आईडी डलेगी कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डालना है और बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रोसीजर दिया जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर का, फोटो एंड सिग्नेचर के बाद डिटेल्स डालनी है, बाद में प्रीव्यू करना है और बाद में सबसे लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो ऐसे आप इस पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।